हेलो ब्रीवन ये क्वेश्चन इज इफ द फोर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड बार जेड बार माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड बार एंड जेड माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड रिप्रेजेंट दर्टेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड फोर यूनिट्स इन द दर्गेंट प्लेन देन मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स में क्या एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर है जिसके हमें एक साइड क्या दे रखा है फोर यूनिट दे रखा है यहाँ से ये यह साइड हमें क्या दे रखा है यहाँ से ये यह फोर यूनिट दे रखा है तो सबसे पहले क्या करते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई तो यहाँ से जेड इक्वल टू तो जब एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा जेड बार क्या आ जाएगा यहां जा? से जेड बार इक्वल टू तो हो जाएगा यहां जा? से हो जाएगा यहां से आईओटा वाई हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर एड डाउन करूंगा तो क्या जा? हो जाएगा यहाँ से ए बी

वाई is equal to क्या? 2 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कोई भी दूसरी डिस्टेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा कि क्या ए आ जाएगा क्या ईडी हो जाएगा एडी का फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से

तो हम यहाँ से मॉडलॉस ऑफ एक्स वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी दिस इज इक्वल टू टू तो यहाँ से क्या आ जाएगा देन ऑफ इज इक्वल टू हम पे क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्या मॉडल ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? E जाएगी यहाँ से क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा प्लस में क्या फोर्थ जब इसके वैल्यू हम यहाँ पे क्या फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा एट डेट ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्या टू रूट टू आ जाएगा तो हमें ही क्या फाइंड आउट करना था तो क्या हो जाएगा यहाँ से टू रूट टू एट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा